हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टॉक दुबई चैनल। दोस्तों, अबू धाबी अनाउंसेस न्यू ट्रैवल रूल फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। हाँ दोस्तों, अबू धाबी ने नया ट्रैवल रूल अपडेट किया है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए और 15 अगस्त 2021 से नया रूल लागू होंगे। अबू धाबी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर कमेटी ने अबू धाबी सिटीजन, रेसिडेंट और विजिटर्स के लिए नया रूल अप्रूव किया है और ये रूल है ग्रीन लिस्ट कंट्री और नॉन ग्रीन लिस्ट कंट्री से जो लोग आएंगे उन लोगों के लिए। तो आप अगर वैक्सीनेटेड है और आप ग्रीन लिस्ट कंट्री से अबू धाबी आना चाहते हैं, पहले आपको ऑन अराइवल आरटीपीसीआर टेस्ट करना है। जब वो अबू धाबी आएंगे, अबू धाबी लैंड करने के बाद आपको यहाँ पर क्वारंटाइन में नहीं रहना है, सिर्फ डे 6 में एक आरटीपीसीआर टेस्ट करना है। आप वैक्सीनेटेड है और नॉन ग्रीन लिस्ट कंट्री से आना चाहते हैं, मतलब गैर ग्रीन लिस्ट कंट्री से आना चाहते हैं, तो ऑन अराइवल आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करना है। जब अबू धाबी लैंड करेंगे, लैंड करने के बाद आपको यहाँ पर 7 डेज क्वारंटाइन में रहना है और डे 6 में आरटीपीसीआर टेस्ट करना है। अभी मैं बताऊँगा अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए क्या क्या रूल है। तो आप अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स है और आप ग्रीन लिस्ट कंट्री से आना चाहते हैं, आपको ऑन अराइवल आरटीपीसीआर टेस्ट करना है। जब वो अबू धाबी लैंड करेंगे, लैंड करने के बाद आपको यहाँ पर क्वारंटाइन में नहीं रहना है, डे 6 और डे 9 में आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करना है, सिर्फ डे 6 और डे 9 में आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करना है। आप अनवैक्सीनेटेड है और आप नॉन ग्रीन लिस्ट कंट्री से आना चाहते हैं, मतलब आप अनवैक्सीनेटेड है, आपने वैक्सीन नहीं लिया है और आप गैर ग्रीन लिस्ट कंट्री से आना चाहते हैं, आपको आने से पहले आपको ऑन अराइवल आरटीपीसीआर टेस्ट करना है और अबू धाबी लैंड करने के बाद 10 डेज क्वारंटाइन में रहना है और डे 9 में आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करना है। मतलब यहाँ पर 10 दिन क्वारंटाइन में रहना है और डे नाइन में आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करना है। तो ये रूल अबू धाबी सिटीजन, रेसिडेंट और विजिटर्स के लिए है और ये नया रूल 15 अगस्त 2021 से लागू हो जाएगा। और हाँ, वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स के लिए, आप वैक्सीनेटेड है, आपने वैक्सीन अपने अपने कंट्री से ली हुई है, तो आपको क्या करना है, अपना वैक्सीन इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है आईसीए वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि अल हसन ऐप में शो होना चाहिए, आपने जो वैक्सीन लिया है अल हसन ऐप में शो होना चाहिए। और इसके ऊपर एक आर्टिकल खलीज टाइम पेपर में पब्लिश हुआ है, तो इसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से आप सारा डिटेल्स रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।